आज रात 10 बजे के बाद होगा बड़ा चमत्कार। अचानक बदल सकती है कुंभ राशि की किस्मत। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। दोस्तों, जीवन के इस कठिन मार्ग में व्यक्ति कभी ना कभी डगमगा अवश्य जाता है। मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं माना गया है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियों से गुजरता है। कभी व्यक्ति का जीवन अच्छा व्यतीत होता है तो कभी जीवन के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति को कोई ना कोई सहारे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। आज रात ठीक 10 बजे के बाद बड़ा चमत्कार होने वाला है और इसी चमत्कार की वजह से कुंभ राशि की किस्मत भी बदलने वाली है। आपकी ओर से की गई मेहनत का 100% परिणाम प्राप्त होने वाला है। शुभ कार्यों की शुरुआत शनिदेव के दर्शन से करें। ग्रहों की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है, जिसके बल पर कार्यों को पूर्ण करने में सफल होंगे। वही सेल से जुड़े हुए लोगों को भी टारगेट पूरे करने पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और शनिदेव जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूले और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अचानक किस्मत बदलने से कुंभ राशि को किस तरह होगा फायदा। दोस्तों, ऑफिस में कुछ लोगों की सहायता से आपके प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों से पढ़ाई में मदद मिलने की संभावना बन रही है। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। परिवार के लोगों के साथ आप किसी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मिठास आएगी। लव लाइफ में आपको बेहतर नतीजे मिलने के योग बन रहे हैं। आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में बड़े अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपकी किसी पुरानी योजना का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। शादीशुदा जिंदगी में खुशियां आएगी। आप अपने रिश्तों को ठीक प्रकार से चला पाएंगे। आपके अच्छे स्वभाव की प्रशंसा भी हो सकती है। आपको कुछ खास खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। आप अपनी नई जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आपको करियर में आगे बढ़ने के बहुत से मौके भी प्राप्त होंगे। कुछ नए विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी नई योजनाएं ठीक प्रकार से पूर्ण होगी। धन संबंधित मामलों में आपको अच्छा फायदा भी मिल सकता है। घर परिवार का वातावरण बेहतर होगा। परिवार के लोग एक दूसरे का पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से बातों का ज्यादा ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। जीवन साथी आपकी ईमानदारी से प्रभावित हो सकता है। इस राशि वाले लोगों को कुछ नए अवसर और अनुभव मिलने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। कुल मिलाकर आपका समय मिला जुला रहने वाला है। घर परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा। आप किसी अजनबी से अपनी गुप्त बातों को शेयर मत कीजिए। कार्यस्थल में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। साथ काम करने वाले लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं। घरेलू चीजों की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। करीबी लोगों को आपसे कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जीवन साथी से आपको अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। माता पिता की सेहत से जुड़ी हुई चिंता आपको परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशि फल के बारे में। अगर आप व्यापारी हैं तो वस्तुओं की खरीद या विक्री करते समय आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर्स और करीबी साथी आपका सहयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी असफलताओं से निराश ना हो और याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब आप पुराने दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो आप पुराने दुश्मनों के बारे में भी सोच सकते हैं, जिनसे आप रिश्ता सुधारना चाहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि किसी से लगाव जीवन को बदल सकता है। लोगों से बातचीत करना गलत फहमियों को दूर करता है। व्यापार या जीवन में अपने दुश्मनों या प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहे, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना बन रही है। आपको मिलने वाले अवसरों को जांचें और किसी अच्छे सलाहकार की सलाह अवश्य लें। प्रतियोगिताओं से घबराएं नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उनका सामना करें। यह जीवन के वो पल हैं जब आप उस सफलता का आनंद लेंगे जिसके आप सच्चे हकदार हैं। करियर या व्यवसाय में लाभ आपके रोमांच
और सुख को बढ़ा देगा। जब भी कोई मौका आपके दरवाजे पर आता है तो उसका स्वागत करना ना भूले। याद रखिए, जब तैयारी अवसर से मिलती है तो उसी को किस्मत कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में। लिव इन पार्टनर या जीवन साथी से विवाद होने की वजह से यह दिन आपके लिए उदासी भरा हो सकता है। आपको नानी या दादी इस समय आपकी मदद भी करेगी और आपका मार्गदर्शन भी। नए वातावरण या परिवेश में खो न जाएं, बल्कि नई शुरुआत करें। परिवार में संघर्षों से सावधान रहे। जो मौके आपको मिलेंगे उनका फायदा उठाएं और नए दोस्त बनाएं। विवाहित तो लोगों की एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना के कारण ही उनका रिश्ता भी फ्रेश है। रिश्ते में नई खुशबू के लिए हमेशा कुछ नया करते रहें, जैसे समय समय पर कोई उपहार देना या एक दूसरे की पसंद का खाना बनाना। आपकी मेहनत अच्छे परिणाम देने वाली है। किसी खास को पाने का सपना भी पूरा हो सकता है, बस खुद पर विश्वास रखें। कानूनी मामले, दुर्घटना या चोट आपको रोजाना के कार्यों को प्रभावित करेंगे। अपने जानों के साथ रोमांटिक फिल्म देखना या गाना सुनना आपके दिन को खुशनुमा बना सकते हैं। घर और नौकरी दोनों में आपका दिन खुशनुमा बीतेगा। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं कुछ वास्तुशास्त्र के उपायों के बारे में। धन, तरक्की और आनंद से आपका जीवन जगमगा जाएगा। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में रोजाना तरह तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। कभी व्यक्ति का दिन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, इनके पीछे वास्तु दोष काफी हद तक जिम्मेदार रहता है। अगर आपके घर में या फिर आसपास वास्तु दोष है तो इसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती रहती है, जिसको लेकर आप काफी परेशान रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, या फिर आपके पास धन नहीं रुकता है, या फिर घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है, तो ऐसे में आप वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को कर सकते हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र के कुछ आसान उपाय करते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहेगी। यह उपाय बेहद सरल और कारगर माने गए हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के उन उपायों के बारे में। पहला जो उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और आपका दुर्भाग्य दूर हो, तो इसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक का निशान बनाएं। भारतीय संस्कृत में स्वस्तिक का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 9 उंगली लंबा और 9 उंगली चौड़ा स्वस्तिक बनाते हैं तो इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और घर परिवार के लोग तरक्की हासिल करें, तो इसके लिए घर में मौजूद सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करना बहुत ही जरूरी है। आप इसके लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ केले का पेड़ और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दीजिए। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर परिवार के लोगों को सफलता मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है परंतु उसमें आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, यानी मकान बनाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उस प्लॉट में अनार का पेड़ पुष्य नक्षत्र में लगा दीजिए। इस उपाय को करने से शीघ्र ही मकान बनाने के योग्य बनते हैं। तो दोस्तों, चौथा जो उपाय है, अगर आप अपने घर के मंदिर में रोजाना नियमित रूप से एक दीपक जलाते हैं और शंख की आवाज 3 बार सुबह और शाम के समय करते हैं, तो इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इतना ही नहीं, बल्कि इस उपाय को करने से भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, पांचवा जो उपाय है, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं को फूल अर्पित किया है तो उनको दूसरे दिन हटा देना चाहिए और देवी देवताओं को नए फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, छठा और आखिरी जो उपाय है, अगर आप अपने घर परिवार को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर समुद्री झाग, कौड़ी, शंख लाल कपड़े में या फिर मौली में बांधकर दरवाजे पर लटका दीजिए। इससे बुरी नजर से सुरक्षा होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है।
तो दोस्तों, अगर आप भी इन वास्तु शास्त्र के उपायों को आजमाते हो तो धन, तरक्की और आनंद से आपका जीवन जो कि भर जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करेगा, साथ ही कमेंट में जय विष्णु देव लिखना ना भूलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।